हम रुख करेंगे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, यूपी, महाराष्ट्र समेत 14 राज्यों की 51 सीटों पर प्रचार आज शाम थम जाएगा। तीसरे चरण में यहां 10 अप्रैल को मतदान होना है। इस दिन दिल्ली के सभी दफ्तरों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। 10 अप्रैल को दिल्ली की 7, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और हरियाणा की 10-10 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार की 6, झारखंड की 4 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर वोटिंग होगी। कल 5 राज्यों की 7 सीटों पर मतदान है। पूर्वोत्तर राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की 2, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। इससे पहले 7 तारीख को इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और केरल में एक के बाद एक 5 जनसभाएं करेंगे। कर्नाटक में आज सोनिया गांधी भी रहेंगी। सोनिया यहां बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां वो लातूर के निलांगा में एक रैली करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल आज पार्टी की प्रत्याशी राखी बिरलान के लिए प्रचार करेंगे। राखी बिरलान आम आदमी पार्टी की ओर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की उम्मीदवार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश में रैली करने पहुंचेंगी। मायावती यहां 2 रैलियां करेंगी। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह आज बागपत के बड़ौक में रैली करेंगे। बीजेपी के मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी आज मोदीनगर और बागपत में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली अंधेरी में शाम 6 बजे होगी। महेश मांजरेकर के लिए वो वोट मांगेंगे। वाराणसी से मोदी के खिलाफ कांग्रेस अजय राय को मैदान में उतार सकती है। अजय राय की उम्मीदवारी का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी के घोषणा पत्र के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र होने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ने दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को बरकरार रखा गया। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी और रामविलास वेदांती ने बीजेपी के घोषणा पत्र में मंदिर मुद्दे पर कड़ा ऐतराज जताया है। राम मंदिर के अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370 का भी जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले 370 धारा के बारे में कहा गया है कि इस पर सभी लोगों की राय ली जाएगी। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को राम मंदिर की याद आने लगती है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर के जिक्र पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल किए जाने का असर अयोध्या में भी दिखा। 9 चरणों वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में असम और त्रिपुरा में कुल 6 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। त्रिपुरा की 2 सीटों में 1 सीट के लिए कल वोट डाले गए। त्रिपुरा वेस्ट सीट के लिए कल हुए मतदान में लोगों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस कैंडिडेट रमेश चंद तोमर के बीजेपी में चले जाने से सत्ते में आई कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। दरअसल कांग्रेस ने रमेश चंद तोमर को गौतम बुद्ध नगर से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन तोमर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के झज्जर की रैली में नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला। मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र किया। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया शाइनिंग की तरह गुजरात मॉडल की भी इस चुनाव में हवा निकल जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पोस्टरों के साथ सड़कों पर उतर गई है। दिल्ली में निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर इन्होंने दिया। हाथों में बैनर पोस्टर इन्होंने थाम रखे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया है। केजरीवाल से पूछा गया उन्होंने दिल्ली को धोखा क्यों दिया।
आम आदमी पार्टी से निकाले गए अश्विनी उपाध्याय आज 12 बजे पार्टी को लेकर खुलासा करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सुबह करीब 11 बजे पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट अजय अग्रवाल ने अपना पर्चा भरा, अजय अग्रवाल को बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट से कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पर्चा दाखिल किया। अमृतसर से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता अरुण जेटली ने नामांकन दाखिल किया, बीजेपी ने इस सीट से सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर जेटली को उम्मीदवार बनाया है। पंजाब की बठिंडा सीट से श्रोमणी अकाली दल की कैंडिडेट हरसिमरत कौर बादल ने नामांकन किया। पंजाब की गुरदासपुर सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पर्चा भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर सीट से पर्चा दाखिल किया। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात की साबरकांठा सीट से नामांकन दाखिल किया। अभिनेता परेश रावल ने गुजरात की अहमदाबाद पूर्व सीट से पर्चा भरा। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और हास्य कलाकार भगवंत मान ट्रैक्टर चलाकर नामांकन करने के लिए पहुंचे। बीजेपी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। मुस्लिम धर्मगुरु कल्वे जवाद ने शिया मुस्लिमों से अपील की है कि वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट न दें। चुनाव आयोग ने विवादित बयान पर बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ नोटिस जारी करके 9 अप्रैल तक जवाब मांगा है। बीजेपी महासचिव और मोदी के करीबी अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक के बाद एक दो केस दर्ज किए गए हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार अमर सिंह प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं, आज उनके समर्थन में श्रीदेवी पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरी फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहां वोट मांगने पहुंची थी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य परवेज हाशमी ने मेरठ में चौंकाने वाला बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो थर्ड फ्रंट को समर्थन देंगे। लोगों को मर्यादित भाषा की सीख देने वाली आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से उम्मीदवार आशुतोष के समर्थन में पहुंचे। मेरठ से चुनाव लड़ रही कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने कचहरी पहुंचकर वकीलों से वोट मांगे। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार नवीन जिंदल के लिए रोड शो किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने मोदी सरकार शब्द का समर्थन किया है। छतरपुर में राजनाथ की सभा के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा किया, रोती बिलखती है महिला एएसपी पर मारपीट करने का आरोप लगा रही थी। जयश्री जैन नाम की महिला छतरपुर बीजेपी में जिला सचिव के पद पर है। जयश्री जैन ने जब एएसपी नीरज पांडे पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया तो राजनाथ की सभा में अफरातफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के 14 गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बनाया है। गाजियाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी कैंडिडेट जनरल वीके सिंह के लिए वोटों की मांग की है। गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार वीके सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यूपी के मथुरा से अपनी किस्मत आजमा रही हेमा मालिनी के सामने अजीबोगरीब समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल मथुरा से हेमा मालिनी के अलावा दो और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम हेमा है। नरेंद्र मोदी के समर्थकों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, इसी कड़ी में सूरत की एक ज्वेलरी शॉप ने मोदी ज्वेलरी लॉन्च की है। मानहानि के केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 21 मई को हाजिर होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को कल ही कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से उन्होंने पेशी से छूट मांगी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के मानहानि मामले में मुंबई की किला कोर्ट से केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को जमानत मिल गई है। एक युवक को थप्पड़ मारने के 6 साल पुराने मामले में अभिनेता गोविंदा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए मुकेश और पवन की अर्जी पर सुनवाई 14 अप्रैल तक टल गई है।
भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जबलपुर के मनकेड़ी गांव में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद गोली चलने से दोनों पक्षों के चार कार्यकर्ता जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी में नाव पलट जाने से तीन लोगों की डूबकर मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने सिमी से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी पांचों को देशद्रोह के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था। आगरा में पांच साल के एक नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि पहले पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि बाद में पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचाने के बाद शिकायत दर्ज कर ली गई। दिल्ली में जनकपुरी में मेट्रो के अंडरग्राउंड निर्माण के चलते एक मकान में दरार का मामला सामने आया है। देश आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। शिरडी स्थित साईं बाबा के मंदिर में एक भक्त ने 90 लाख रुपए की सोने की दो थालियां भेंट में चढ़ाई हैं। आज से एक्सपी को माइक्रोसॉफ्ट का साथ नहीं मिलेगा। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सबसे लंबे वक्त से चल रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंत की शुरुआत हो जाएगी। टीम इंडिया बांग्लादेश से मुंबई लौट आई। एयरपोर्ट से निकलते समय पूरी टीम निराश दिखी। वहीं कप्तान धोनी ने भी धीमी बल्लेबाजी से आलोचना झेल रहे युवराज सिंह का बचाव किया है। वहीं हरभजन सिंह ने भी युवराज सिंह के घर पर पथराव किए जाने का विरोध किया। मलेशिया के लापता विमान की खोज में लगे एक ऑस्ट्रेलियाई जलपोत को पानी के नीचे विमान के ब्लैक बॉक्स से मेल खाते हुए नए सिग्नल मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 संदिग्ध विद्रोहियों की मौत हो गई, जबकि अर्धसैनिक बल के 10 जवान जख्मी हो गए। पूरे यूक्रेन के तीन शहरों पर सरकारी इमारतों पर रूसी समर्थकों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक आतंकवादी रोधी अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुख्ती की हत्या के मामले में 21 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा जापान की डाइची की कंपनी रेनबैक्सी लेबोरेटरीज का अधिग्रहण करेगी।